नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है और एक्चुअली इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थिंकडाय को फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश पीस है और इसका सॉफ्टवेयर मैं इस टाइम में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके पास होना चाहिए इसका सील नंबर, आईडी और पासवर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करते हैं। इसमें हार्डली 30-40 सेकंड्स लगते हैं। अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो वो उसे जल्दी इंस्टॉल कर लेगा, और अगर आपका सिस्टम पुराना है, जैसे कि ये मेरा वाला है, ये पैड काफ़ी ओल्ड वर्जन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाएगा कि इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप इसे ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, डन ओपन, तो मैं इसे ओपन करूँगा, उसके बाद अलाउ करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये ओपन हो रहा है, उसके बाद स्क्रॉल टू राइट, अब इसे स्टार्ट नाउ। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसे अपडेट नहीं किया है। और सबसे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, जब आप इसे अपडेट करना है तो इसे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास मोबाइल है, इससे मैं इसका से कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले अगर आपके पास वाईफाई है तो उसे ऑन करें और इसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसा कि मैं करूँगा। इसे ये मेरा वाला है तो ये थोड़े से ही टाइम में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाईफाई ऊपर सिंबल दिखा रहा है, कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जाना है इसे अपडेट करने के लिए, सॉरी। इसका स्क्रीन थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब इसे लॉगिन करना है सिंपली, अभी लॉगिन हो रहा है। अब इसमें एक ख़ास बात है, जब ये लॉगिन हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको रुकना है, थोड़ा रुकने के बाद ही इसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्वर में एंटर होंगे तो तुरंत उसके सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसके तीन सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। उसके बाद हमें आपको डाउनलोडेड पर क्लिक करना है और सिंपली अपडेट करना है। तो इस वाले ऑप्शन में ये वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे गाड़ी से कनेक्ट करना है। अभी मैं इसे गाड़ी से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं हम इसे अभी गाड़ी से कनेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें लाइट भी जल गया है, ये ग्रीन कलर का, कैमरे में थोड़ा क्लीन नहीं आ पा रहा है, इसमें ग्रीन लाइट जल रहा है। गाड़ी का इग्निशन ऑन है और अब हम लोग करेंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है, पेयर कर दो इसे। अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली, और ये दोबारा से रिवर्स चला जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ ओके करना है। अभी रिफ्रेश होगा, अब इसे हम अपडेट कर सकते हैं। जो चार सॉफ्टवेयर हैं ये सबसे पहले अपडेट होंगे और उसके बाद हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अपडेट होने में, अगर आपका इंटरनेट का स्पीड फास्ट है तो आप इसे जल्दी से अपडेट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा स्लो है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा।
अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है, डायग्नोसिस में जाना है। और आपको जैसे हम लोग एशियन है तो हमें एशिया में जाके इसका यूवी टेस्ट करना है। मैं आपको इस ब्रांड को अपडेट करके भी दिखा दूंगा इस वीडियो में, लास्ट टाइम जो मैंने नहीं किया था। तो जब भी हम इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो इसका फर्मवेयर अपडेट होता है। और जब इसका फर्मवेयर अपडेट हो रहा हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, इसे कंप्लीट हो जाने दें। क्योंकि अगर ये बीच में रुक गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है आपका अभी से डैमेज हो जाए। तो अभी अपडेट हो रहा है, 35% हो रहा है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल्ड हो चुका है 100%। इसे ओके करना है। और जब ये इस स्टेप पे पहुँच जाता है इसका मतलब ये हमारा डोंगल अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं इसे एंड कर देता हूँ और आपको इसी का एक ब्रांड अपडेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूओडी टेस्ट कैसे करते हैं। तो अभी हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और अब इसका बचता है फाइनल स्टेप, जो कि होता है इसका जिस ब्रांड का भी आप स्कैन करना चाह रहे हैं उस ब्रांड को अपडेट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दोबारा से सिंपली इसे अपडेट करना है। सॉरी, चलो मैं इस पैड का टच थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है। दोबारा से अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है और अभी ये रिफ्रेश होगा। इसमें मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, इसमें आप कुछ भी ना करें, सिंपली से रिफ्रेश होने दें। और जब ये रिफ्रेश हो जाएगा तो उसके बाद में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं सर्वर पर वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो अभी मेरे पास महिंद्रा जाइलो है तो मैं केवल महिंद्रा को अपडेट करता हूँ। महिंद्रा इंडियन मुझे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अपन लोग इंडियन हैं। इसे यहाँ से मैं इसे अपडेट करता हूँ। इसका स्पीड भी आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा अपडेशन का, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, हार्डली 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसे अपडेट होने में। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो और भी कम, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। अभी इसकी डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है और ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये इसका बेनिफिट है। सो ओके करता हूँ। अब मैं इसे एशिया में जाता हूँ, महिंद्रा इंडियन। ओके, सॉरी मैंने डोंगल अभी नहीं लगाया है, इसे दोबारा से रीओपन करते हैं। मैंने डोंगल गाड़ी में लगा दिया है। सीसिया महिंद्रा इंडियन, उसके बाद में ओके। इस हार्डवेयर की एक खास बात है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, तुरंत काम करता है। पुराने वाले जो 2.0 3.0 गोलो जो भी आते थे उनकी स्पीड थोड़ी स्लो थी, लेकिन इस वाले की स्पीड बहुत बेहतर है, बहुत फास्ट काम करता है। जैसे मेरी पैसेंजर कार है ये आपका जाइलो, ये है मेरी E4। या मैं इंजन सिस्टम स्कैन करता हूँ, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल,
एक्चुअली में कार एकदम ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इमोबिलाइजर रीड फॉल्ट कोड यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था कि पहली बात थिंक डाइव को यूज़ कैसे करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और सिंपली अगर आप और भी अगर कोई कार ब्रांड अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इसके अकाउंट में जाके, सारे के सारे ब्रांड इसमें अवेलेबल हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, जो भी इसमें अपडेट हो जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो जाता है तो वो यहाँ IN में दिखाने लगेगा। जैसे मैंने अभी महिंद्रा इंडियन किया है तो IN में दिखा रहा है, और जो भी डाउनलोडेबल होंगे, जो डाउनलोड नहीं किए वो आपका यहाँ पर दिखाएगा, ये सारे मैंने डाउनलोड नहीं किए। तो आप इसमें से जो भी आपको लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत है आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।